आज की वीडियो में हम लोग साइको एनालिटिक मॉडल के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि फ्रॉयड ने दिया था, दैट इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट और ड्राइव कहते हैं किसको है। फ्रॉयड का मानना था कि ये दोनों चीज़ों का मतलब होता है नीड्स, ठीक है। और फ्रॉयड कहते थे कि नीड्स ड्राइव्स मोटिवेशन, यानी कि इंसान के अंदर नीड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का काम करती है। जैसे जैसे इंसान के अंदर नीड्स पैदा होती हैं तो वो ट्रिगर करती है इंसान को कि वो मोटिवेट हो, वो हरकत में आए और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करे। और जैसे वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेता है तो इस वहाँ उसने इस चीज़ के लिए उसने एक टर्म यूज़ किया था, दैट इज़ ड्राइव रिडक्शन, यानी कि अपनी नीड्स को उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया और दोबारा बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट पर ले गया, जहाँ पर अब इंसान को कोई नीड नहीं है। यानी कि मैं पानी उस वक्त तक नहीं पीऊँगी जब तक कि मुझे प्यास नहीं लगेगी, मैं खाना उस वक्त तक नहीं खाऊँगी जब तक कि मुझे भूख ना लगे, और जब मुझे प्यास लगेगी तभी मैं पानी पीऊँगी। यानी मुझे जब नीड होगी तभी मैं मोटिवेट होंगी और तभी मैं अपनी उस नीड को फुलफ़िल करूँगी और ड्राइव रिडक्शन करके बॉडी को दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर ले आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉयड ने कहा था कि ये जो हमारे इंस्टिंक्ट या ड्राइव्स होते हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का काम करते हैं और उसे मोटिवेट करते रहते हैं कि अपने अंदर पैदा होने वाली नीड्स को फुलफ़िल करता रहे। अब यहाँ पे फ्रॉयड ने, वैसे तो बहुत सारे इंस्टिंक्ट होती हैं लेकिन फ्रॉयड ने सिर्फ इंस्टिंक्ट्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी को नाम दिया है लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे इरोस कहा जाता है। इसका मतलब होता है अनकॉन्शियस विश टू लाइव, यानी इंसान की ज़िंदा रहने की एक लाशऊरी ख्वाहिश, ठीक है। और सेकंड इंस्टिंक्ट है डेथ इंस्टिंक्ट, जिसे थैनाटोस भी कहा जाता है, यानी अनकॉन्शियस विश टू डाई, यानी इंसान की लाशऊरी ख्वाहिश मरने की, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये दोनों इंस्टिंक्ट एक्सट्रीम लेवल पर अगर जाएंगी तो दोनों ही डेंजरस है, ठीक है। तो इनको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाना। इन दोनों के दरमियान फिर बैलेंस कौन क्रिएट करके रखेगा? इन दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करके रखती है हमारी एक एनर्जी, जिसे लिबाइडनल एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी कहा जाता है। वो इन दोनों इंस्टिंक्ट के दरमियान बैलेंस क्रिएट करके रखती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा इरोस जो है बेसिकली लाइफ इंस्टिंक्ट है। ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है या एक ऐसी नीड है जिसमें इंसान चाहता है कि वो सर्वाइव करे, वो ज़िंदगी की तरफ रहे। तो सर्वाइवल यहाँ अगर इंसान की नीड है तो यहाँ पे अब वो तमाम नीड्स अराइज़ होंगी जो कि उसे सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेगी। यानी कि नीड ऑफ हंगर, नीड ऑफ थर्स्ट, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, नीड ऑफ सेक्स, नीड ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो ये तमाम तर नीड्स जो है इंसान की तभी, इंसान के अंदर तभी पैदा होती है जब वो सर्वाइव करना चाहता है, जब वो लाइफ में रहना चाहता है। तो ये सारी नीड्स उसकी ज़िंदगी को क्या करेंगे, उसकी सस्टेन रखेंगी और इरोस को मेंटेन करके रखेंगे। और ये सारी नीड्स इंसान को ट्रिगर करती रहती है कि वो उसको फुलफ़िल करें, उन मोटिवेट होता जाए और उन्हें फुलफ़िल करके बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट पर लेकर आए। थैनाटोस की अगर हम लोग बात करें तो थैनाटोस बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल के अंदर अगर सेक्सुअल एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए या अनबैलेंस्ड हो जाए तो उसकी वजह से इंडिविजुअल एग्रेसिवली या वॉलेंटली बिहेव करना शुरू हो जाता है और यहाँ पे वो खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाता है, यानी मरने मारने पर आ जाता है। तो ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जिसमें वो उसके अंदर से सर्वाइवल की नीड ख़त्म हो जाती और वो डेथ की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक इंस्टिंक्ट और ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू द फ्रॉयड। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।